नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के ताजमहल का निर्माण कैसे हुआ? ताजमहल को तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं, लेकिन ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बनाया गया, इसके बारे में आप में से शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल को बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था। अब ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना सीमेंट के शाहजहां का ताजमहल कैसे बना। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल को बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बैलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही और कंकर मिक्स कर इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था और फिर तैयार होता था एक सॉलिड पेस्ट। बता दें कि पहले समय में प्राचीन इमारतों को तैयार करने के लिए इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था और आज वो सभी इमारतें इसी मजबूती से टिकी हुई हैं। ऐसी ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।